यूपी चुनाव में छठे चरण के प्रचार के लिए आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाएं करेंगे। तो वही बीएसपी अध्यक्ष मायावती मऊ और गाजीपुर में रैलियां करेंगे, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया में जनसभाएं करेंगे। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी यूपी में प्रचार करेंगे, मिर्जापुर में लालू यादव की रैली होगी। तो वही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज इम्फाल में मणिपुर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तो इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक युवक की हत्या करने के मामले में प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने बताने के लिए कहा है कि इस मामले में किन किन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक अगली सुनवाई इस मामले में 8 मार्च को होगी, तब तक कोर्ट ने पूरी डिटेल देने के लिए कहा है। घटना में मारे गए युवक पुष्पेंद्र के पिता रामहरि शर्मा ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। घटना 8 फरवरी 2017 की है। रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान इनकी गाड़ी को 20 से 25 लोगों ने घेर कर फायरिंग की थी, जिसमें पुष्पेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। मामले में एसपी विधायक देवेंद्र अग्रवाल और 11 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी, जिसके बाद केस अलीगढ़ क्राइम ब्रांच को दिया गया था। दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। दिनेश, इस पूरे मामले में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ कैसे सकती है, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में डिटेल्स भी देनी है। देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में सरकारी वकील की तरफ से यह कहा गया था कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। याचिकाकर्ता ने यही कहा था कि इस पूरे मामले में क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी आरोपी हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बार बार विवेचना बदली जा रही है, लिहाजा इस पूरे मामले की बात जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और साथ ही साथ इस मामले के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच की जाए। और अब तक जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो कोर्ट के सामने सरकार बताए, प्रशासन बताए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।